मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी बहस हो गई, जिसके चलते कलेक्टर ने एक नेता को थप्पड़ मार दिया। राजगढ़ की कलेक्टर निधि निवेदिता ने धारा 144 लागू होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोका, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान कलेक्टर की कार्यकर्ताओं से तीखी बहस हुई और उन्होंने एक नेता को थप्पड़ मार दिया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि ये अधिकारी और प्रशासन कांग्रेस सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर आज ब्यावरा राजगढ़ में वहां के जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, विशेषकर महिला कलेक्टर ने, जिस तरह से CAA के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चार्ज किया, बाल पकड़ पकड़ के कार्यकर्ताओं के लिए घसीटा, महिलाओं को घसीटा, अपने आप में अभूतपूर्व उदाहरण मध्य प्रदेश में है। मैं अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह सरकार की इस तरह की भक्ति करना छोड़ दें, अन्यथा आने वाले वक्त में जब भी बदलाव होगा वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार की सरकार की भक्ति करना किसी भी नियम और कानून में नहीं लिखा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये वक्त एक जैसा सभी का नहीं रहता है, पता नहीं किस दिन बाजी पलट जाए, और इस कारण से बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अधिकारी इस बात को समझें। मैं समझ रहा हूं कि ऊपर से जब उनको घुटना टेक करने के लिए कहा जाता है तो वो रेंगने लगते हैं। इस प्रकार के रीढ़ विहीन अधिकारी, मैं कहना चाहता हूँ फिर से कि किसी पार्टी के न समर्थक होते हैं और न किसी के मददगार हो सकते हैं।